साथियों, देश की आजादी को 75 साल से ज्यादा हो रहे हैं और 75 साल की आजादी में देश में जो आधी से अधिक आबादी है, जिसको ओबीसी कहा जाता है, देश की आजादी के 75 साल में देश में ओबीसी की गिनती नहीं हुई और देश में ओबीसी को जो हक अधिकार मिलना चाहिए था, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, वो हक अधिकार भी अभी तक नहीं मिला। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि देश में जो ओबीसी है उसको बार बार धार्मिक मुद्दों में उलझाया जाता है और जब भी ओबीसी के हक अधिकार का मामला खड़ा होता है, ओबीसी के हक अधिकार का इशू खड़ा होता है, तो कोई ना कोई धार्मिक मुद्दा खड़ा करके ओबीसी को गुमराह किया जाता है और हिंदू के नाम पर ओबीसी का समर्थन लिया जाता है, ओबीसी का वोट लिया जाता है, मगर ओबीसी के हक अधिकारों को ओबीसी को नहीं दिया जाता है। ये षड्यंत्र एक लंबे समय से आजादी के 75 साल तक चल रहा है। जब देश में मंडल कमीशन की लड़ाई बहुत जोर शोर से चल रही थी, 90-92 के दशक में जब मंडल कमीशन की लड़ाई बड़े पैमाने पर ओबीसी समाज के द्वारा लड़ी जा रही थी, उस समय मंडल कमीशन लागू करने में ओबीसी के साथ में धोखेबाजी हुई और मंडल कमीशन की केवल एक सिफारिश लागू की गई, बाकी सिफारिशें मंडल कमीशन की लागू नहीं की गई। 16 नवंबर 1992 को जब मंडल कमीशन का फैसला आया तो 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण दिया गया और 27% में क्रीमिलेयर लगा दिया गया, जिसका नुकसान ये हुआ कि जो ओबीसी अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाने में सक्षम थे वो रिजर्वेशन से बाहर हो गए और जो ओबीसी अपने बच्चे को एजुकेशन आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से नहीं दिला सकते थे वो भी रिजर्वेशन से बाहर हो गए और ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन लागू हुआ वो सीटें भी आज तक भरपाई नहीं हो पाई। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा ओबीसी के साथ में हुआ। इसके साथ ही साथ ओबीसी को रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं दिया गया। इसके साथ ही साथ ओबीसी की जो स्टेट और सेंटर में कॉमन जातियां थी केवल उन्हें ही ओबीसी माना गया। तो कई प्रकार की धोखेबाजी मंडल कमीशन लागू होते समय ओबीसी के साथ में हुई, मगर इन तमाम धोखेबाजी पर पर्दा डालकर ओबीसी का वोट हिंदू के नाम पर लूटने के षड्यंत्र में आरएसएस बीजेपी के लोगों ने मिलकर के काम किया और राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मामला खड़ा किया। जब 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी के हक अधिकारों के संदर्भ में फैसला आया और ओबीसी इस बात को समझने की कोशिश करता कि उसको क्या हक अधिकार मिले और क्या मिलने चाहिए थे, कितने मिले कितने नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे और जो नहीं मिल पाए उनके लिए ओबीसी संघर्ष के लिए आगे आता, तो ये बात ओबीसी को समझने का मौका ना मिले, इसलिए 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। मतलब जो मंडल कमीशन की लड़ाई थी, जो मंडल कमीशन का आंदोलन था, उस आंदोलन को कमंडल में तब्दील करने की कोशिश आरएसएस बीजेपी के द्वारा की गई थी और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज तक ओबीसी समाज के लोगों को इस बात का पता नहीं है कि मंडल कमीशन में उनके लिए क्या हक अधिकार था और उन्हें कितना मिला और कितना अभी मिलना बाकी है। ये षड्यंत्र बहुत बड़े पैमाने पर देश में चल रहा है। ओबीसी के वोटों को जाति के नाम पर लूटने का ना काम और धर्म के नाम पर धार्मिक भावनाओं को भड़का कर ओबीसी के हक अधिकार को खत्म करने का काम और उनका वोट लेने का काम, उनका समर्थन लेने का षड्यंत्र आरएसएस बीजेपी के द्वारा एक लंबे समय से चल रहा है। उसी का एक प्रयोग पुनः होने जा रहा है। जब देश में जाति आधारित जनगणना और संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की मांग बहुत तेजी से हो रही है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने 2 बार इस पर भारत बंद काल किया और देश भर में बड़े पैमाने पर जाति आधारित जनगणना और संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की बात चल रही है, ओबीसी अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहा है, तो एक बार फिर ओबीसी की जागृति को डाइवर्ट करने का काम आरएसएस बीजेपी के द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। क्योंकि पिछले लगभग 10 सालों के कार्यकाल में आरएसएस बीजेपी के द्वारा ओबीसी के हित में कोई काम नहीं किया गया, ओबीसी को उनके हक अधिकारों से वंचित किया गया, उनकी गिनती तक नहीं की गई। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी की हकमारी की गई, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती में हकमारी की गई, लेटरल एंट्री के माध्यम से जो भर्ती की जा रही है उसमें ओबीसी को कुछ नहीं दिया जा रहा है,
लगातार ओबीसी के साथ धोखेबाजी हो रही है। ओबीसी की स्कॉलरशिप बंद कर दी गई, 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे उनकी नियुक्ति को रोकने का काम किया गया। ये तरफ ओबीसी के साथ सारी प्रकार की धोखेबाजी हो रही है और दूसरी तरफ राम मंदिर बनाने के नाम पर ओबीसी का वोट लूटने की तैयारी आरएसएस बीजेपी ने दोबारा से कर लिया है। तो इसलिए इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है कि जब मंडल कमीशन की लड़ाई मजबूत थी और हमको हक अधिकार मिल रहे थे तो उस समय धोखाधड़ी करने के लिए इस मुद्दे को उठाया गया था। आज फिर जब देश में ओबीसी के साथ आरएसएस बीजेपी की जो सरकार है वो धोखेबाजी कर रही है और देश में ओबीसी की जनगणना का मामला बहुत मजबूती के साथ में खड़ा हो गया है, तो ओबीसी के हक अधिकार के मुद्दों को दबाने के लिए एक बार फिर राम जन्मभूमि का सहारा लिया जा रहा है, राम मंदिर का सहारा लिया जा रहा है और ओबीसी के साथ फिर धोखेबाजी करने की तैयारी की जा रही है। उस समय जो मंदिर आंदोलन में शामिल लोग थे, विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीर तोगड़िया, रितंभरा जैसे जो तमाम बैकवर्ड क्लासेज के लोग थे, उनको जब मंदिर का ट्रस्ट बना तो उसमें एक भी ओबीसी को शामिल नहीं किया गया। इससे ये बात साबित होती है कि ओबीसी का केवल इस्तेमाल करना है, फिर ओबीसी का हक अधिकार खत्म करना है और फिर ओबीसी को इस्तेमाल करके फेंक देना है। ये जो ब्राह्मणवादी नीति है, इस नीति से ओबीसी समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वो मुद्दा है कि ये देश तथागत बुद्ध का देश है, सम्राट अशोक का देश है, राजा प्रसेनजीत का देश है और हमारे तमाम पूर्वजों और पुरखों का देश है जिन्होंने इस देश को महान बनाया। लेकिन वो जो महान गौरवशाली विरासत है तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, राजा प्रसेनजीत की, उस विरासत को भी खत्म करने का काम, उस विरासत को खत्म करने की साजिश भी देश में हो रही है। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर जो वहां अवशेष मिले थे समतलीकरण के दौरान, वो बुद्धिस्टों के अवशेष थे, लेकिन उसको दबाया गया और हमारी विरासत को दबाने का काम किया जा रहा है। इसी प्रकार से देश भर में, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे सोमनाथ मंदिर के नीचे का मामला हो, हर जगह बुद्धिस्टों की विरासत है, मगर उस विरासत को दबाने का काम किया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जब वो विदेश में जाते हैं तो तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक की बात करते हैं, लेकिन भारत में वो इस विरासत को खत्म करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। तो ये जो षड्यंत्र हो रहा है हमारी विरासत को खत्म करने का, हमारे हक अधिकार के मुद्दों को दबाने का और हिंदू के नाम पर ओबीसी का समर्थन लेने का, कि ओबीसी जब हिंदू के नाम पर वोट देने के लिए तैयार हो जाएगा तो उसको हक अधिकार देने की क्या जरूरत है, ये जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इस षड्यंत्र से तमाम ओबीसी के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा देश भर में लगातार अभियान चला रहा है और जो 22 जनवरी को जो उद्घाटन होने जा रहा है राम मंदिर का, उस दिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा हम लोगों ने उस दिन को काला दिन घोषित किया है, क्योंकि ये हमारे हक अधिकारों को बलि चढ़ाने का दिन है, ये हमारी गौरवशाली विरासत को दबाने का दिन है, इसलिए इसको हम लोग काला दिन घोषित कर रहे हैं और देश भर में तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, शुभचिंतकों को हम ये अपील करना चाहेंगे कि इसको काला दिन के रूप में मनाएं, बांह पर काली पट्टी बांधे, उस दिन काले कपड़े पहने, घरों पर काले झंडे लगाएं, जो भी कर सकते हैं उस दिन प्रतीकात्मक रूप से हम लोग इसको काला दिन मनाने का काम करेंगे। इसका अभियान सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा, देश भर में जिन भी संगठन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शुभचिंतक, नेता इस बात से सहमत हैं कि देश के अंदर जो ओबीसी एससी एसटी की गौरवशाली विरासत है उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है, हमारे हक अधिकारों को दबाने का, खत्म करने का काम किया जा रहा है, उन सभी लोगों से अपील है कि इस दिन को काला दिन के रूप में मनाने का काम करें और इस आंदोलन को समर्थन देने का काम करें। आप सभी लोग ऐसा करेंगे, ऐसी आशा अपेक्षा के साथ आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है अयोध्या में। ये अयोध्या की जो विरासत है, क्या ये विरासत भारतीय लोगों की विरासत है? निश्चित रूप से अयोध्या की विरासत भारतीय लोगों की विरासत नहीं है,
हिस्टोरिकली अयोध्या की विरासत भारतीय लोगों की विरासत नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास का और यदि उसके विरासत का अध्ययन किया जाए तो ये भी ब्राह्मणों की विरासत नहीं है। जो बुद्ध की विरासत है और सम्राट अशोक की विरासत है, मौर्य की विरासत है, वो विरासत भी ब्राह्मणों की विरासत नहीं है। ब्राह्मणों की विरासत क्या है? ब्राह्मणों की विरासत भारतीय समाज को, भारतीय लोगों को वर्ण व्यवस्था के नाम पर चार वर्णों में बांटने की विरासत है और इस बांटी हुई विरासत में सबके ऊपर ब्राह्मणों को थोपने की विरासत है, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता थोपने की विरासत है। ये निश्चित रूप से ये विरासत भारतीय लोगों की विरासत नहीं है। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था में भारतीय लोगों को शूद्र बनाने का षड्यंत्र किया, नीचता का काम किया। ये ब्राह्मणों की विरासत है, ये भारतीयों की विरासत नहीं है। उसके बाद ब्राह्मणों ने मूल निवासी भारतीय लोगों को 6,247 जाति के टुकड़ों में बांटने का षड्यंत्र किया, ये नीचता का काम किया, सबसे ज्यादा घटिया काम किया। ये ब्राह्मणों की विरासत है। ये टुकड़ों में बांटने का, ब्राह्मण लोग अंग्रेजों को बुरा मानते थे तो कारण बताते थे कि अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान दो टुकड़ों में बांटा, मगर ब्राह्मणों ने 6,247 जाति के टुकड़ों में बांटा। 1703 जाति के टुकड़े शेड्यूल कास्ट अछूतों के बनाए, 801 टुकड़े आदिवासियों के बनाए, 3,743 जाति के टुकड़े ओबीसी के बनाए और तीनों को मिलाकर 6,247 जाति के टुकड़े ब्राह्मणों ने ए मूलनिवासी बहुजनों के बनाए। एक टुकड़े बनाने का, जातियों में बांटने का, ऊंच नीच थोपने का, छूत अछूत छोपने का, ये जो विरासत है ये ब्राह्मणों की विरासत है। इससे सावधान होने की जरूरत है, इससे सतर्क होने की जरूरत है और इसलिए अब ब्राह्मण लोग राम मंदिर के नाम पर अपना छुपा एजेंडा, अपना गुप्त एजेंडा भारतीय लोगों पर, मूल निवासी भारतीय लोगों पर थोपने के लिए राम के नाम का सहारा ले रहे हैं। अगर हम पाली भाषा के जातक कथा का इतिहास पढ़ लें तो दशरथ जातक है, उस दशरथ जातक में बोधिसत्व राम है और ब्राह्मणों ने राम को ब्राह्मणी राम में रूपांतरित करने का षड्यंत्र किया और उसको वर्ण व्यवस्था के समर्थन में इस्तेमाल करने का षड्यंत्र किया। इसके लिए उन्होंने रामायण लिखा, रामायण में शूद्र शंबुक जो ओबीसी था उसकी हत्या करने का राम के द्वारा षड्यंत्र किया गया।
ये सारा का सारा ब्राह्मणों के द्वारा किया गया, ये षड्यंत्र हम लोगों को समझना जरूरी है। आज दोबारा राम का नाम लेकर इस देश के 60-65% ओबीसी के लोगों के विरोध में षड्यंत्र करने का काम किया जा रहा है, ये बात बखूबी बहुत सही तरीके से चौधरी विकास पटेल, जिनका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नाम का संगठन है, उन्होंने अभी अभी जो वीडियो घोषित किया है हम उसका समर्थन करते हैं। उन्होंने एकदम सही कहा है, और मैं सारे देशवासियों को, भारतीय लोगों को, तमाम भारतीय लोगों को 3.5% ब्राह्मण अगर छोड़ दिए जाए तो सारे भारतीय लोगों को, ये जो सारे भारतीय लोग हैं वो इस बात के समर्थन में हैं, मैं उनको अपील करता हूं कि वो सारे के सारे लोग चौधरी विकास पटेल का समर्थन करें। जो वर्ण व्यवस्था में तीसरे वर्ण के लोग हैं, जो वर्ण व्यवस्था में दूसरे वर्ण के लोग हैं, क्षत्रिय ये मूल रूप से नाग लोग हैं, तीसरे वर्ण के वैश्य हैं ये भी नाग लोग हैं, चौथे वर्ण के लोग हैं ये भी नाग लोग हैं, तो ये सारे के सारे नाग लोग हैं जिनके विरोध में ब्राह्मणों ने षड्यंत्र किया, और नाग लोगों के इतिहास के बारे में ब्राह्मणों ने ही लिख कर रखा हुआ है। इसलिए ये एक तथ्यात्मक इतिहास है, इस बात को हम लोगों को ठीक से समझने की, ठीक से जानने की जरूरत है, और एकदम सही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल के द्वारा जो कहा गया है वो 100% सही है। इसलिए हम चौधरी विकास पटेल जी की बात का समर्थन करते हैं, और 22 तारीख को जो उन्होंने काला दिन मनाने का ऐलान किया हम उनका समर्थन करते हैं, और समस्त देशवासियों को 3.5% ब्राह्मण छोड़कर समस्त देशवासियों को काला दिन मनाने के लिए अपील करते हैं। आशा है कि लोग काला दिन मनाने का काम करेंगे, और जैसा ही उनको मौका मिलता है, अगर वो कल से इसके विरोध में काला दिन मनाते हैं, वो जितने दिन अपनी प्रतिक्रिया में इसको काला दिन घोषित करते हैं उतने दिन वो कर सकते हैं, 22 तारीख तक तमाम दिन को ऐसा कर सकते हैं, समस्त दिन को ऐसा कर सकते हैं, और इसके लिए अपने अपने लेवल पर वीडियो बनाकर अपनी प्रतिक्रिया घोषित कर सकते हैं। मैं इसके लिए भी वीडियो बनाकर सारे देशवासियों को अपील करता हूं कि वो वीडियो बनाकर इसका समर्थन करें। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।